कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है, कुछ बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ है, प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों, इन दो नामों में से मैं एक नाम लिख सकता हूं, वैसे दोनों नाम ही प्रचलित हैं। तो आप प्लीज नया रजिस्टर, अपना रजिस्टर खोल लें, नया पेज खोल लें और चैप्टर का नाम लिखें, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर अब हम कर रहे हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन, 100 मार्क्स में से 8 से 10 नंबर का प्रैक्टिकल और थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। हर एक अटेम्प्ट के बाद मैंने देखा है, जून दिसंबर के बाद आता ही जा रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर अपने में बड़ा कीमती चैप्टर है, बड़े बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। 5 में से मैं 4 स्टार्स इस टॉपिक में दे दूंगा। टोटल 5 स्टार्स में से 4 स्टार्स में इस टॉपिक को दूंगा। ये टॉपिक अपने में बड़ा प्रीशियस टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, हम सब इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, कुछ भी कह दीजिए, आपके कंपनी अकाउंट्स में बार बार इसको पूछा जा रहा है, तो आज हम इसी को शुरू करेंगे। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आप सब सीएस का कोर्स कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, आप सब आने वाले दिनों में क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे और एक ऐसा दिन आएगा 25 फरवरी या 25 अगस्त में से, जब आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे या क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे या क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे। जब आप सीएस बनेंगे तो आपके पास दो चॉइस होंगी, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप जॉब में भी जा सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी दो चॉइस होंगी कि आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म में करेंगे। मैं अब आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं, या तो आप पार्टनरशिप फॉर्म से काम करेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से करेंगे। धीरे धीरे बिजनेस जब शुरू होगा तो पार्टनरशिप में भी दो चीजें हैं, आप इसको LLP करना चाहेंगे या नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहेंगे। क्योंकि आप कंपनी फॉर्म में जाना चाहेंगे, LLP का मतलब तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, कॉर्पोरेट एंटिटी में करेंगे या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी से करेंगे। एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, उसने मुझे एक बात बताई कि जब भी कुछ भी बिजनेस शुरू होता है, कुछ भी स्टार्ट होता है, वो एक छोटे लेवल से शुरू होता है, छोटे बिजनेस से शुरू होता है, छोटी झोपड़ी जैसे होती है, मकान बहुत बड़ा महल एकदम नहीं बनता, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप कोई भी बिजनेस या कुछ भी अपना बिजनेस या प्रैक्टिस या कुछ भी स्टार्ट करेंगे, वो पहले तो एक बहुत स्मॉल एंटिटी के रूप में स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो विकराल रूप ले लेता है, विकराल रूप ले लेगा। जैसे मैं कहूं आपसे कि एक रामलाल था और एक श्यामलाल था, दोनों बड़े गहरे दोस्त थे, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया गारमेंट्स का, कपड़े लेते थे, कपड़ा खरीदते थे, कपड़े पर सिलवाते थे और उसके बाद उसको बेच देते थे। इनका अपना ही एक शोरूम था कनॉट प्लेस में, ऐसा मान लेते हैं।
धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ने लगा, धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ने लगा और इतना बढ़ गया कि इनकी अब टर्नओवर लाख में नहीं करोड़ में हो रही है। एक दिन ये दोनों बैठे हुए थे कैफे कॉफी डे सीसीडी में बैठे हुए थे और ये आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अब हमारा बिजनेस बढ़ चुका है, अब हमें इस बिजनेस को एक नया रूप देना है। इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया था एज अ पार्टनरशिप फर्म शुरू किया था, तो रामलाल एक पार्टनर थे, श्यामलाल भी एक पार्टनर थे। अब इन दोनों का एक विचार है क्या कि अब ये बिजनेस क्योंकि बढ़ चुका है तो ये उस बिजनेस को एक नया रूप देना चाहते हैं और ये अपने नाम के साथ लिखना चाहते हैं कि हम कौन है, डायरेक्टर है। श्यामलाल कहना चाह रहा है मैं डायरेक्टर हूँ और रामलाल कहना चाह रहा है मैं डायरेक्टर हूँ और ये पब्लिक इशू लाना चाहते हैं, डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, मार्केट में आना चाहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इनको अपनी ये स्मॉल कुटिया किसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कॉरपोरेट एंटिटी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉरपोरेट एंटिटी एक सबसे बेस्ट वे ऑफ बिजनेस है, एक बेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आप ये बताइए जी, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में एक पर्सन सात तरह का हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस में भी कर सकते हैं, आप उसको पार्टनरशिप फर्म के बेसिस में भी कर सकते हैं, आप उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कर सकते हैं, आप उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में भी कर सकते हैं, आप उसको नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में भी कर सकते हैं और आप उसको एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी के रूप में भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनी बिजनेस इज कॉर्पोरेट एंटिटी। लेकिन मेरे बेटे, स्टार्टिंग में कोई थोड़ी कंपनी बना लेता है बेटे, कंपनी बनाने के खर्चे हैं बेटे, कंपनी चलाने के भी खर्चे हैं बेटे, भले आप कंपनी ना चलाओ आपको उसकी आरओसी की फाइलिंग करनी पड़ेगी बेटे, इनकम टैक्स में फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो बेटे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसका मतलब हम कभी भी शुरू करते हैं तो छोटे लेवल से शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो लेवल बढ़ता जाता है और वो कंपनी के फॉर्म में चला जाता है मेरे बेटे। तो अब मैं आपको रामलाल की और श्यामलाल की कहानी बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक कंसेप्ट छोटा सा पहले लिख लें फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। छोटा सा आप एक बार कंसेप्ट लिख लें फिर मैं आगे चलूंगा, बिल्कुल ठीक है। आइए, दोस्तों हम ये जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इसमें दो लगने वाले हैं, लगभग दो दो ढाई ढाई घंटे के, आप नंबर ऑफ लेक्चर्स छोड़ दीजिए। मेरा नाम है भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैंने डिप्लोमा IFRS का लंदन से किया है, मैं क्वालिफाइड वैल्यूअर हूँ, माइंड ट्रेनर भी हूँ और भी बड़ी सारी डिग्री से भी मैं ऐड कर रहा हूँ और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लेके जाने वाला हूँ। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको CS के साथ साथ आपकी हॉबी के हिसाब से कोर्सेज बताऊंगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज आगे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम आज के लेक्चर में कुछ तीन चार कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। तो आइए, मैं पहला चाहता हूं कि आप कंसेप्ट नंबर वन लिखें, कंसेप्ट नंबर वन बेटे हम चैप्टर कर रहे हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, आप लिख लें कंसेप्ट नंबर वन कि एक व्यक्ति बिजनेस कैसे कैसे कर सकता है।
सभी लिखेंगे, कसम होगी अगर आपने ना लिखा तो। कहते हैं कि जो इंसान आगे बढ़ने वाला होता है वो हिम्मत करता है, कोशिश करता है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जहाजों को जो गिरा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। मेरे बेटे घबराना नहीं है, जून दिसंबर का चक्कर खत्म हो जाएगा मेरे बेटे, हिम्मत तो करो, खून तो निकालो, पसीना तो निकालो मेरे बच्चे, आपको 101% स्वर्ग मिलेगा। और बेटे स्वर्ग लेने के लिए खुद मरना पड़ता है, पता ही है आपको। तो ए पॉइंट लिख लीजिए, अ पर्सन कैन डू बिजनेस एज पर फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटे हर चीज के अपने प्लस और माइनस हैं, आप बात समझ लीजिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के, पार्टनरशिप के अलग अलग प्लस और माइनस हैं। तो आप ये पॉइंट भी लिख लें, भले ही ये पेपर में नहीं भी आएगा लेकिन स्टिल आप एक बार लिख लें डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बेटे को लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन जब भी हम शुरू करते हैं बिजनेस तो बेटे उसको प्रोप्राइटरशिप फर्म के बेसिस पे ही शुरू करते हैं। पार्टनरशिप फर्म गवर्न्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। पार्टनरशिप फर्म्स दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। उम्मीद है कि लिख लिया हो। अब बेटे मैं आ रहा हूं क्योंकि मुझे तो बताना है कंपनी अकाउंट्स, और बेटे मुझे कंपनी की बातें कर रही है, मुझे बताना है कंपनी है क्या, कंपनी कैसे होती है, कंपनी चलती कैसे है, कंपनी के बारे में बताना है। तो सी पॉइंट आपको पता ही है कंपनी क्या होती है, कंपनी पता है, कंपनी मीन्स टू पर्सन कमिंग टूगेदर, एटलीस्ट टू। वैसे तो कंपनी एक्ट 2013 में वन मैन कंपनी भी बन रही है। तो लिखें सी पॉइंट के बाद डी पॉइंट, मीनिंग ऑफ अ कंपनी, मीनिंग ऑफ अ कंपनी। आप सभी ने कंपनी लॉ में ऑलरेडी किया हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंपनी, बट स्टिल आपको मैं चाहता हूं कि आप लिखें मीनिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने के लिए वो लीगल फॉर्मेलिटी है जो हम पहले फॉलो करते थे, ठीक है जी। कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, बिल्कुल वैसा ही है जो हम पहले करते थे, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, आपने लिख लिया सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंसेप्ट नंबर वन अगर लिख लिया हो तो मैं अब आपको कहना चाह रहा हूं कि रामलाल और श्यामलाल को अपना बिजनेस अब कंपनी में कन्वर्ट करना है। उनका बिजनेस पहले से चल रहा है, मैं अपने रिपीट वर्ड्स कर रहा हूं गोल्डन, उनका बिजनेस पहले से चल रहा है। किनका? रामलाल का और श्यामलाल का। पहले से ही बिजनेस चल रहा है, अब वो बिजनेस को वो कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस बिजनेस को वो कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक बार आप पहले कंसेप्ट नंबर टू लिख लें, आपको ये पता है कंपनी लॉ में कर चुके हैं, फिर भी लिख लें एक मिनट के लिए। प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप सीएस बनेंगे तो
आपको ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टेज वन, जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते उससे पहले आप उसकी रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या करते हैं, डिन नंबर लेते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स लेते हैं, फिर स्टेज टू नेम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। मैं यहाँ कंपनी लॉ की क्लास नहीं ले रहा, फिर भी एक हल्का सा ज्ञान दे रहा हूँ कि कंपनी बनाने से पहले क्या क्या किया जाता है। स्टेज वन के बाद नेम अवेलेबिलिटी, स्टेज टू और फिर स्टेज थ्री डॉक्यूमेंटेशन, आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ROC में ऑनलाइन के थ्रू जमा करा देते हैं, कुछ फिजिकल फॉर्म में भी कराते हैं। तो स्टेज थ्री डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपरेशन एंड ऑफ मेमोरेंडम एंड मोए एंड ओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंटिंग कराते हैं उसकी, स्टैंपिंग करते हैं, साइनिंग करते हैं। स्टेज वन लिख लिया जी, स्टेज टू लिख लिया, स्टेज थ्री डॉक्यूमेंटेशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अगर नाम मिल गया, ठीक है जी। स्टेज फोर उसको फाइल कर देते हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 32, फॉर्म नंबर 18, और भी बड़े सारे फॉर्म्स होते हैं, वो आपने कंपनी लॉ में पढ़े होंगे, मैं अभी उन डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना है या एक नई कंपनी वैसे ही बनानी है तो हमें ROC, स्टॉक एक्सचेंजेस, फॉर्म्स, ये सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है। कंसेप्ट थ्री, बस जी बस एक बार कंसेप्ट थ्री लिख लें, फिर मैं आपके सामने चलूंगा। एक बार कंसेप्ट थ्री लिख लें फिर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे बेटे। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी मेरे लाल। कहते हैं जो हिम्मत नहीं हारता लाइफ में उसको सक्सेस मिल ही जाती है। आप तब तक नहीं हारे मेरे बेटे जब तक आप मन से नहीं हारे, और गिरते तो हम सब है। मैं भी फेल हुआ था कितनी बार, क्या हो गया आज मुझसे तो कुछ पूछ थोड़ी रहा है, क्योंकि मैं सक्सेसफुल बन गया हूं, आप भी बनेंगे। लिखिए कंसेप्ट थ्री, मैं मान रहा हूं कि अभी आपको कंसेप्ट थ्री बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैं लिखवा इसलिए रहा हूं कि फिर एक बार यह स्लाइड हटा दूंगा तो फिर आगे मैं समझाना शुरू करूंगा, फिर मैं इस स्लाइड में नहीं आऊंगा। आराम से बेटे, भले समय नहीं आए मानिए, फ्रेंच लैंग्वेज लिख रहे मेरे बेटे, ए पॉइंट लिख लिया, बी पॉइंट लिख लिया, लिखिए बेटे, संस्कृत है बेटे, लिखते जाओ, संस्कृत मानो मेरे बेटे। ए लिख लिया, चलिए बेटे सी लिखिए। अच्छा एक बच्चे ने कहा जी ए, अच्छा लिख लीजिए। एज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज द एविडेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, बस अंडरलाइन कर दीजिए, एविडेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। So period prior to date of incorporation is named as pre-incorporation period. See, मैडम मुंह छोटा ना करना, मैं बता रहा हूँ मुंह छोटा ना करना, खाली लिख लेना। एक बच्चा कह रहा है मास्टर खाली लिखवा रहा है, समझाएगा भी है नहीं, कान पर थप्पड़ मारूंगा बेटे, अभी चुपचाप लिख लो, सब समझाऊंगा। नॉन रिकरिंग अंडरलाइन कर देना सी पॉइंट में, दीज प्रॉफिट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर,
All profits earned by existing business up to the date of incorporation are named as pre-incorporation profits. These profits are non-recurring in nature. B point, all profits from date of incorporation up to end of the year are named as post-incorporation profits. Recurring को underline कर दीजिएगा. Companies Act 2013 दिख रहा है वो जहां पर E point में तो underline कर दीजिएगा. ई पॉइंट लिख लिया जी, ई लिख लिया. बस एक फ्लो चार्ट बनाना बेटे, लिखने का काम बनना है. मैं पहले समझाऊंगा फिर आगे चलूंगा. मेरे बच्चे कसम है इस बात की बेटे, हम चैप्टर का नाम, एक तो बच्चे ने चैप्टर का नाम भी भूल गया कि है क्या बेटे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट चैप्टर का नाम है मेरे बेटे. बस बेटे एफ पॉइंट बना दीजिए. फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. बस बेटे इसी तरह से एक चित्र बना दो, बाकी का काम मेरा. बाकी दिया गल्ला छोड़ो, दिल साफ होना चाहिए. बाकी दिया गल्ला छोड़ो, दिल साफ होना चाहिए. एक बच्चा कह रहा है ये हंसते हुए चेहरे भी बना रहे हैं. नहीं बेटे, ये तो आपके हैं ना चेहरे, ये तो आपके हैं बेटे, आपके हैं. चलिए बेटे कंसेप्ट नंबर फोर्थ अभी नहीं लिख रहे बेटे, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा तो आप मुझे मारेंगे. मैं अभी लिखवा ही नहीं रहा मेरे बेटे, हद कर दी. चलिए बेटे आइए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको मैंने अभी बताया था कि रामलाल ने और श्यामलाल ने आज से कुछ वर्ष पहले अपना बिजनेस शुरू किया था. मान लेते हैं कुछ वर्ष पहले को हम टी जीरो बोलते हैं. टी का मतलब टाइम, जीरो का मतलब बहुत वर्ष पहले. और आज टी फाइव हो गया, मतलब 5 साल बीत गए. रामलाल और श्यामलाल अब प्रॉफिट भी करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं. करोड़ में प्रॉफिट हो रहा है, करोड़ रुपीज में प्रॉफिट हो रहा है. नाउ दे वांट टू कन्वर्ट, ये दोनों के दोनों अपना बिजनेस कन्वर्ट करना चाहते हैं. दे वांट टू कन्वर्ट इनटू अ कंपनी, ये अपना बिजनेस कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी में, कंपनी फॉर्म में. ये चाहते हैं कि इनके नाम के साथ लिखा हो रामलाल डायरेक्टर, श्यामलाल डायरेक्टर. अब ये अपने नाम के साथ डायरेक्टर का अक्षर लिखवाना चाहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर प्रेम के ये अपने नाम के साथ लिखवाना चाहते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर. ठीक है जी. तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को या कभी किसी नए बिजनेस को, कुछ भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग और न्यू बिजनेस वांट्स टू कन्वर्ट इनटू अ कंपनी, इनटू अ कॉर्पोरेट एंटिटी, इनटू अ कंपनी, इनटू अ कॉर्पोरेट एंटिटी, इन दैट केस, उस केस में इन व्यक्तियों को जो पहले पार्टनर्स थे, इनको आप जैसा एक महान व्यक्ति अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी. ये जो कंपनी सेक्रेटरी है सारी फॉर्मेलिटीज फिलअप करेगा, जो मैंने अभी स्टेजेस बताई थी, और ये फिलअप करके आरओसी की साइट में जाकर जमा करा देगा, एमसीए की साइट में जाकर जमा कराएगा, जो भी फीस होगी जमा करा देगा, नेम अवेलेबिलिटी के तहत.
मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ। हमारे यहाँ पर नवरात्रे दो बार आते हैं और पहले नवरात्रे अप्रैल में आते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि हमारा नया वर्ष अप्रैल से शुरू हुआ। और बेटे ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2016 मान के चलते हैं कि 12 महीने का पीरियड है। 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस वर्ष इसको कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन्होंने कंपनी सेक्रेटरी ठनठन लाल को अपॉइंट किया। कंपनी सेक्रेटरी ठनठन लाल। अब इस कंपनी सेक्रेटरी ठनठन लाल ने सारी फॉर्मेलिटी फिलअप कर दी और आरओसी में जाकर जमा करा दिया और आरओसी में जमा करा दिया। अब आरओसी में जमा कराने के बाद मान लेते हैं 30 जून 2015 को आरओसी से जमा कब कराया? अप्रैल में जमा कराया। लेकिन 3 महीने के बाद अप्रैल मई और जून मतलब जून के आखिरी दिन इनको चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। और बेटे आजकल तो चिट्ठियां मेलों से आती हैं और मेले बेटा ईमेल होती। मान लेते हैं फिजिकल लेटर भी आया और ईमेल भी आई। कहां से आई? मेरे घर से नहीं आई, आरओसी से आई। किस बात का? कि भैया जो आपने पर्टिकुलर्स जमा कराए हैं, जो नेम जमा कराया है, जो ऑब्जेक्टिव लिखा है, जो मेमोरेंडम कराए हैं, सब ठीक है, हम सबको मान्यता देते हैं और आज से आपको हम अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। मतलब आज से आप कंपनी माने जाओगे, आपकी जन्म तिथि ये है। बेटे जिस दिन इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू होता है, उसी दिन को हम कहते हैं दिस इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं बेटे? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बात को समझ लीजिएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बिजनेस तो पहले से ही चल रहा था ना बेटे, 1 अप्रैल से पहले से चल रहा था, पिछले 5 वर्षों से चल रहा है। लेकिन कंपनी बनी कब बेटे? कंपनी अप्रैल में नहीं बनी, मई में भी नहीं बनी, जून में भी नहीं बनी, बेटे जून के आखिरी में बनी। इसका मतलब उसको कंपनी क्या कब से माना जाएगा? जुलाई से, अगस्त मतलब पहली जुलाई से या 30 जून से हम उसको कॉर्पोरेट एंटिटी मानेंगे। एक बच्चे ने कहा अगर हम 30 जून से उसको कॉर्पोरेट एंटिटी मानेंगे तो उससे पहले क्या वो कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्यों? क्योंकि आरओसी ने उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसको कुछ समय तो चाहिए ना सारी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में। तो 3 महीने इस वर्ष के पार्टनरशिप फर्म जैसे उसने वर्क किया और 9 महीने इस ईयर के उसने इसको कॉर्पोरेट एंटिटी बनाकर किया। तो मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि एक ही वर्ष में उसके दो रूप हैं। एक रूप है पार्टनरशिप फर्म का और एक रूप है किसका? किसका मेरे बेटे? किसका? कंपनी का। अब आप ये बताइए जो भी प्रॉफिट्स इन 3 महीनों में होंगे और जो भी प्रॉफिट्स इस 9 महीने में होंगे इनका, क्योंकि 9 महीने के जो प्रॉफिट्स हैं वो तो कंपनी के होंगे और जो 3 महीने के प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म के होंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक ही बनेगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट तो 12 महीने का बनता है ना, बैलेंस शीट तो 12 महीने की बनती है ना मेरे बेटे। इसलिए जो भी प्रॉफिट्स ये शुरू के 3 महीनों के होंगे, जो भी प्रॉफिट्स ये स्टार्टिंग के 3 महीने के होंगे, आई रिपीट द प्रॉफिट्स विच बिलोंग्स टू फर्स्ट 3 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, नेमली अप्रैल 2015, May 2015, June 2015, all these profits of 3 months will be regarded as pre-incorporation profits and all those profits which belongs to company
will be named as post इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, हम उन प्रॉफिट्स को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे और पहले तीन महीने के प्रॉफिट्स को प्री इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे. बात को समझ आ रहा है आपको? तो पहले शुरू के तीन महीने के जो प्रॉफिट्स हैं प्री इनकॉर्पोरेशन होंगे और जो आखिरी के नौ महीने के होंगे वो पोस्ट होंगे. अब करना क्या है, मास्टर से ये पूछ रहा है एक बच्चा. ठीक है बेटे, सुनिए, सुनो मेहरबान कदरदान, सुनो आपको इस चैप्टर में क्या करना है, सुन लो. आपको 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक का अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी. मतलब आपको 12 महीने की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जबकि 12 महीने में शुरू के जो तीन महीने हैं उसमें उसमें झंडा कब फहराया मेरे बेटे? झंडा फहराया है, झंडा फहराया गया है 1 जुलाई 2015 को. बेटे 1 जुलाई 2015 को झंडा फहराया है. झंडा ऊंचा रहे हमारा, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान. मेरे बेटे अप्रैल मई जून आपको सभी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी. मतलब आपको सेल्स दी जाएगी 12 महीने की, आपको रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन कंज्यूम की दी जाएगी 12 महीने की, आपको वेजेस दी जाएंगी 12 महीने की, आपको सारे खर्चे दिए जाएंगे 12 महीने के, आपको आपको आमदनी आमदनी दी जाएगी 12 महीने की. हर चीज तो बेटे ट्रायल बैलेंस है बेटे, अकाउंट्स हैं. आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपको हर चीज हम 12 महीने की बनाते हैं. अब बेटे आपको 12-12 महीने की चीजें दी होंगी. अब आपको क्या करना है, शुरू के जो तीन महीने उसका प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करना है और आखिरी के जो नौ महीने इसका प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करना है. सुनना जरा ध्यान से मेरे बेटे, ये जो स्टार्टिंग के तीन महीने है ना इसका प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करना है. क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट मेरे बच्चे नॉन रिकरिंग इन नेचर का है. नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये कंपनी बनने से पहले का प्रॉफिट है. कंपनी बनने से पहले का प्रॉफिट है, कंपनी बनने से पहले का, जब वो पार्टनरशिप फर्म की और फॉर्म थी. आप बात समझ रहे, जब वो पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म थी तब का प्रॉफिट है. तीन महीने अप्रैल मई जून, ये तीन महीने का प्रॉफिट है. उस समय कंपनी नहीं थी, लेकिन बेटे प्रॉफिट लॉस तो इकट्ठा बनता 12 महीने का. इसका मतलब आपको तीन महीने का प्रॉफिट अलग निकालना है और बेटे नौ महीने का प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ये अलग निकालना है 9 मंथ्स का. बेटे इसका नेचर जो है वो रेवेन्यू नेचर है, या ऐसा समझ लीजिए रिकरिंग इन नेचर है. जो चीज बार बार होती है उसको बेटे रिकरिंग इन नेचर बोला जाता है. जो चीज बार बार होती है उसको बेटे रिकरिंग इन नेचर बोला जाता है, और जो चीज कभी कभी होती है उसको बेटे नॉन रिकरिंग इन नेचर बोलते हैं. नॉन रिकरिंग इन नेचर बोलते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर बोलते हैं. उसका नाम है मेरे बेटे कैपिटल प्रॉफिट्स, उसको बेटे कैपिटल प्रॉफिट्स बोलते हैं. अब आपको बात समझ आ रही है कि आपको ट्रायल बैलेंस या इंफॉर्मेशन 12 महीने की दी जाएगी, लेकिन आपको 3 महीने का अलग से निकालना और 9 महीने का अलग से निकालना है. क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट 3 महीने का है उसका नेचर अलग है, उसका नेचर कैपिटल है. इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते, नहीं नहीं कभी नहीं, लेकिन इसमें से डिविडेंड दे सकते हैं. वी कैन गिव डिविडेंड, रेवेन्यू प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं, बट कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दे सकते. मैं रिपीट करता हूं, कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दे सकते, रेवेन्यू प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं. इसलिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये निकालना कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कितना है
और प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना है, ये है मेरे बेटे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जो है ना मेरे बेटे, ये प्री प्रॉफिट है, पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये बेटे पोस्ट प्रॉफिट है बेटे हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपको 12 महीने की चीज दी होगी, 3 की अलग और 9 की अलग करनी है। इसके करने के लिए मैं आपको कंसेप्ट नंबर 4th बताने जा रहा हूं। आपको कंसेप्ट नंबर 4th लिखना है और एक क्वेश्चन हमें छोटा सा करना है बस। जब हमने कंसेप्ट 4 लिख लिया और जब हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लिया, यकीन मानिए आपको ये टॉपिक बहुत समझ आएगा। आइए मैं कंसेप्ट नंबर एक बार 4th लिखवा दूं। लो बेटे लिखना शुरू करो। कंसेप्ट नंबर 4 कैलकुलेशन। अब मैं बता रहा हूं कि प्रॉफिट प्रायर टू और प्रॉफिट पोस्ट टू की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। बेटे स्टेप नंबर 1 लिख लो अभी, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला काम है आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट 12 महीने का बनेगा, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक बनेगा, जो भी 12 महीने। और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। एक बच्चा कहने लगा, मास्टर ये तो बता ट्रेडिंग में आता क्या क्या है। हाँ अभी बताऊंगा, 11वीं क्लास में क्या छोले थे के पास हुए थे, अभी बताऊंगा। फिर भी प्यार है बेटे, सेवा भाव है, बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट निकालते कैसे। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट टाइम रेशो एंड सेल्स रेशो, ठीक है जी। स्टेप 1